अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। आज मैं क्रिस्पी सी चिकन मीट बॉल्स जिनको स्टफ किया है मोज़रेला चीज़ के साथ, उसकी रेसिपी कर रही हूँ शेयर। मैंने अफ्तार में इस रेसिपी को बनाया और मेरी फैमिली ने इसको बहुत इंजॉय किया। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले फूड प्रोसेसर में मैं बोनलेस चिकन के क्यूब डाल रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट कीमा ले सकते हैं, मगर साबुत चिकन से कीमा पीस के बहुत अच्छी सी रेसिपी तैयार होती है। फिर इसमें ब्रेड क्रम्स डालने हैं। मैं उसकी जगह ब्रेड के स्लाइस को लेके पीसेस करके डाल रही हूँ। शामिल कर रही हूँ अंडा और अब सीजन कर रही हूँ इसे नमक काली मिर्च के पाउडर के साथ। और फिर इसके अंदर डाल रही हूँ इटालियन सीजनिंग। आप चाहें तो इसे देसी टच दे सकते हैं। इसमें कुटी लाल मिर्चें, हरा धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अब डाल रही हूँ वोस्टेशायर सॉस और फिर हम इसको अब इसका अच्छा सा कीमा पीस के तैयार कर लेंगे। अच्छा, मैं इस रेसिपी में आज गार्लिक पाउडर भी शामिल करी जो मैं जब बनाती हूँ वो अक्सर नहीं डालती हूँ, और इससे बहुत ही टेस्ट इन्हेंस हुआ, ये बहुत ही मज़ेदार सा कीमा तैयार हुआ। तो बस कीमे को पीसने के बाद मैंने बोल में निकाला है, इसको अब हम साइड में रख देंगे और जब तक हम बाकी तमाम अज्जा तैयार कर लेंगे। पहले मोज़रेला चीज़ ली है और उसको इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। फिर मैदा लिया है, इस मैदे को सीजन नहीं किया है। इसके साथ साथ एक शैलो डिश में ब्रेड क्रम्स जो कि घर में बनाए हैं, ताज़े ब्रेड क्रम्स हैं, और अंडे को फेंट के इन तमाम चीज़ों की एक असेंबली लाइन बना के इनको तैयार करके रख लिया है। कीमे को जब तक मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में छोड़ा था, उससे ये ईजिली हैंडल हो जाएगा। अब एक बोल में मैंने सादा पानी लिया है, उससे मैं अपने हाथ को भी वेट कर रही हूँ और मेजरिंग टेबल स्पून की मदद से ये इस तरह कीमा उठाती जाऊँगी। स्पून इसलिए लिया है ताकि सेम साइज़ की बॉल्स बने। कीमे को इस तरह हल्का सा चपटा करके इसके अंदर एक एक मोज़रेला का जो क्यूब डाला है वो डाल के इस तरह मीट बॉल तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो चेडर चीज़ या कोई और भी अपनी पसंद की चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे को पानी की मदद से अच्छा सा एक स्मूथ सी हम मीट बॉल इसकी बना लेंगे। फिर इसके बाद सबसे पहले हम इसको इस सादे जो मैदा है इसमें रोल करेंगे, और मैदे में रोल इसलिए करें कि उससे एक अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग तैयार हो जाएगी। मैदे में रोल करने के बाद अब इस मैदे को हम अच्छी तरीके से झाड़ लेंगे ताकि एक्सेस मैदा जो है वो प्लेट में ही निकल जाए। फिर जो अंडा हमने फेंटा है इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी शामिल किया है ताकि ये एक एग वॉश तैयार हो जाए। अंडे में अच्छे से इस को रोल करके फिर अब हम इसको जो ब्रेड क्रम्स तैयार करके रखे हैं उसके अंदर डालेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स के अंदर थोड़ी सी पार्मेजान चीज़ भी डाल सकते हैं, या ऑफ कोर्स आप पैंको ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरह रोल करूँगी ताकि ब्रेड क्रम्स चिपकते भी जाएँ और जो मीट बॉल है वो अच्छी सी शेप में आ जाए। जो हमने अंडे में डाला था तो उससे थोड़ा सा डी शेप हो जाता है। फिर मैंने एक ट्रे में प्लास्टिक लाइन किया है और इसके ऊपर मैं इसको रखती जा रही हूँ। आसानी इससे हुई कि मैंने पहले तमाम मीट बॉल्स तैयार कर ली, फिर उसको मैंने ब्रेडिंग करी, और अब चाहें तो इस टाइम फ्रीज़र में रख सकते हैं, चाहें तो बग़ैर ब्रेडिंग के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और चाहें तो इस ब्रेडिंग करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अब बस इसको मैंने 350 पे ऑयल को प्री हीट किया है, इसके अंदर डीप फ्राई कर रही हूँ। आप इसको बेक भी कर सकते हैं और आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। जब अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको पकने दिया, क्योंकि कीमा अंदर से कच्चा है, कीमे को पकने के लिए टाइम चाहिए, इसको पेपर टॉवल पे निकाला और इस तरह मज़ेदार सी ये क्रिस्पी कोटिंग की चिकन की स्टफ मीट बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। इसको साइड में मैरिनेरा सॉस और साल्सा के साथ सर्व कीजिए। और इस रेसिपी को अगर आप अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसी लगी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए, और हैशटैग रमदान विद मोरविश के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।